आज का प्रेरणा पाठ है सृष्टि का नियम संतुलन। ये जो दुनिया है, ये जो सृष्टि है, कॉस्मोस है, ब्रह्मांड है, ये संतुलन से चलता है। अगर इसका संतुलन डिस्टर्ब हो जावे तो सुनामी आ जाता है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, भूकंप आ जाते हैं, कोरोना जैसी बीमारी आ जाता है। तो सृष्टि में कभी भी असंतुलन नहीं आना चाहिए, और प्राय आता नहीं है कि हम देखते हैं कि निश्चित समय पर सूर्योदय होता है, निश्चित समय पर रात होती है, निश्चित समय पर दिन होता है, और निश्चित समय पर ऋतुएं आती है। और असंतुलन क्यों होता है? इसका असंतुलन होने का सबसे बड़ा कारण है वह मानव खुद है। वो मानव क्या करता है कि सृष्टि के जो रचना है, सृष्टि जो पांच भूतात्मक है, उन पांच भूतों का जो है वह असंतुलन कर देता है। असंतुलन कैसे? कि जैसे पृथ्वी है, इसका गहन दोहन कर देता है, 10,000 फुट 20,000 फुट नीचे जाकर के पानी है, पेट्रोलियम है, और भूगर्भ है, सोना चांदी वगैरह है, अन्य मैटर जो है वो निकाल करता रहता है और इसका दोहन करता है। जो जल है उसको जो अशुद्ध बनाता है, उसके अंदर जो है वो फैक्ट्रियों का जो है वह विसर्जन डाल दिया जाता है, और अलग अलग जो कलर केमिकल्स डाले जाते हैं, और चिमनियों के जो फैक्ट्रियों की चिमनियों के द्वारा जो है वायु को अशुद्ध किया जाता है, आकाश को अशुद्ध किया जाता है। तो इस तरीके से इस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के कारण जो है इतना दोहन कर दिया सृष्टि का कि सृष्टि जो है कराने लग गई है और असंतुलित होकर के, और हमको ये सारे दुख दे रही है।